नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो का टाइटल देख के ही हैरानी हो रही होगी। जी हाँ, मेरे को भी हैरानी हुई थी जब मैंने इस टाइटल को देखा और बाद में उसकी जांच पड़ताल करी, जब मेरे को समझ में आया कि आसमान में दो सूरज दिखाई दिए हैं। एक वीडियो ऐसा कैप्शन में डाला गया, सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ और तेज़ी से वायरल होने के बाद में ये सारा घटनाक्रम इतनी तेज़ी से फैला कि कई लोगों पे भारत में, उड़ीसा में इसको भविष्य मालिका से भी जोड़ दिया गया। और भविष्य मालिका से जोड़ के दो सूरज दिखने वाली बात जो कही गई थी उसको सत्य साबित करने की कोशिश करी गई। तो क्या है इस वीडियो का सच, आज सारी बातें डिटेल में मैं बताऊंगा। कैसे दिखाई दिया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे करें, नंबर एक बात। नंबर दूसरा, आप लोगों ने मेरे से कहा कि कुंडली दिखाने के लिए आपको फ़ोन नंबर नहीं मिल पा रहा है। मेरे भाइयों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा वीडियो का, नहीं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आराम आराम से नंबर को बता देता हूँ, 9634566899। रिपीट कर रहा हूँ, 9634566899। इस नंबर के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज के द्वारा अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपनी कुंडली को दिखवा सकते हैं। एक इंसान जो समुंदर के अंदर, शिप के अंदर जा रहा था, जाते जाते उसको ये नज़ारा दिखाई दिया। एक सूरज बादलों के अंदर सामने दिखाई दे रहा था, एक सूरज पीठ के पीछे दिखाई दे रहा था। तो पूर्व और पश्चिम, सोचिए पूर्व से और पश्चिम से दोनों जगह से सूरज का दिखना, वही लाल रंग, वही आसमान में लाल चमक और चारों तरफ का वही सुंदर नज़ारा, जिसने लोगों को इस भ्रम में डाल दिया कि क्या दो सूरज एक साथ दिख सकते हैं। ये घटनाक्रम अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर भी पहले हुआ था, लोगों ने वहाँ पे दो सूरज दिखने की बात कही गई थी। और इस घटनाक्रम के जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस वीडियो के नीचे कैप्शन में डाला गया कि आप इन दो सूरज के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो लोगों ने बहुत सारे सवाल करे, कई लोगों ने इसको भविष्य मालिका से जोड़ा कि भविष्य मालिका में दो सूरज दिखने की बात कही गई है और जैसे ही दो सूरज दिखाई देंगे पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा कोहराम मच जाएगा, बहुत बड़ी हाहाकार होगी, केवल 64 करोड़ लोग ही बचेंगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें इसके बारे में कही जा रही थी, लेकिन जब प्रमाण हमारे सामने निकल के आए तो वो दो सूरज नहीं, एक सूरज और एक चंद्रमा था। जी हाँ, वो रेड मून था जो इस समय के ऊपर दिखाई दे रहा था, और रेड मून इतना बड़ा दिखाई दे रहा था कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये वीडियो देखते ही आप लोगों को पता लग गया होगा कि इसके अंदर जो लाल मून दिखाई दे रहा है वो सूरज के भांति दिखाई दे रहा है, सूरज के समान दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एक प्रकार का केवल भ्रम है, क्योंकि चंद्रमा और सूरज दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों ही अलग डायरेक्शन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो भ्रम की स्थिति के अंदर ना फंसना, इस बात को ध्यान से समझना, कोई भी दो सूरज अभी आसमान में नहीं दिखाई दिए हैं, वो एक सूरज है और दूसरा चंद्रमा है जो दिखाई दिया है। लोगों ने जो इसको भविष्य मालिका से जोड़ कर बता दिया है वो उन्होंने भ्रम फैलाया है, झूठ बोला है, केवल और केवल अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को व्यूज़ पाने के लिए भ्रमित किया है। तो दोस्तों, ये सारी इस वीडियो की सच्चाई थी जिसको रिसर्च करने के बाद में पता लगा, सारी बातें हमारे सामने निकल के आई, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारा घटनाक्रम घटित होने वाला है। अब राहु ने जो अपनी चाल बदल ली है, मंगल अपनी चाल बदल चुके हैं, तो उसके बाद में इस पृथ्वी के ऊपर क्या क्या घटित होगा। अक्टूबर के महीने के लिए एक स्पेशल वीडियो आपके पास में लेके आ रहा हूँ। अक्टूबर का महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अक्टूबर के महीने में जैसा सितंबर में बताया था वही सारा घटनाक्रम घटित हुआ। आप लोगों ने पूछा कहाँ पर भूकंप आया, तो भूकंप के लिए बता देता हूँ, उत्तर प्रेशिया के अंदर और सिनमान आइलैंड के ऊपर बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसकी मैग्नीट्यूड स्केल 6.5 रखा गया जैसा हमने बताया था। और अब ग्रहण के आसपास, जो इस महीने में दो ग्रहण पड़ रहे हैं उसके आसपास भी भूकंप आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके आसपास जल प्रलय के बारे में महाराष्ट्र को चेतावनी दी थी, लोग कह रहे थे गर्मी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ढेरों कमेंटों का ढेर लग गया था कि अभी इसमें नहीं है। नागपुर के उसके बारिश ने एक रात के अंदर ऐसी तबाही, लोगों के जहन से नहीं निकल पा रही ऐसी तबाही देखी। तो
तो किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी को झूठा कहा जा सकता है, ग्रहों की स्थिति को कौन झूठा बता सकता है, इस बारे में जो चीज घटनाक्रम सत्य साबित हो रहा है, मेरे को कोई प्रमाण कोई वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये घटना घटित हुई उससे एक दिन पहले का वीडियो आप उठा के देखिए, उस वीडियो के अंदर मैंने अपना वो पुराने वाला वीडियो भी बताया जिसमें स्पेशल उन डायरेक्शंस का, उन एरियो का नाम लिया था। इतनी सटीक भविष्यवाणी जो बताई थी वो सटीक भविष्यवाणी आज की डेट में सत्य साबित हो गई है। तो अब अक्टूबर में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलने वाला है, अक्टूबर में बहुत कुछ होने वाला है, हमारे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें भी निकल के आने वाली हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो बढ़ रहा, रूस ने इतनी तेजी से अटैक किए, वो सारे के सारे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को बताए हुए थे, तो कुछ भी आप लोगों के लिए नया नहीं है। टाइम से पहले उस बात की चेतावनी देता हूँ, टाइम से पहले उस बातों की गणना करके आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों इन सारी जानकारियों को ध्यानपूर्वक समझा कीजिए, ध्यानपूर्वक जाना कीजिए, क्योंकि मति भ्रम की चीज़ें बहुत सारी उत्पन्न होती हैं। 7 वायरस के बारे में मैंने बताया है भविष्य मालिका का, अभी तक किसी भी चैनल पे आप लोगों को नहीं मिला होगा। उन 7 वायरसों का नाम जो भविष्य मालिका के अंदर लिखे गए हैं और वो डिकोड करके मैं आप लोगों के पास में लेके आने वाला हूँ। कल या परसों में वो वीडियो जब प्रकाशित होगा उसके बाद में बहुत सारे चैनलों पे वीडियो बनने वाली हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर वीडियो दिखाई देने वाली हैं। तो दोस्तों इस बात को जानिए, इस घटनाक्रम को जानिए कि अब परिवर्तन का समय हम लोगों के सामने निकल के आ रहा है। ये युग परिवर्तन के बाद में अध सतयुग का समय निकल के आएगा। अध सतयुग संपूर्ण सतयुग नहीं है, अध सतयुग वो है जो मनुष्य को सत्य की राह पर चलाने का कार्य करेगा, मनुष्य को भगवान के पास में जोड़ने का कार्य करेगा। तो दोस्तों ये सारा समय काल गणना हम लोगों के पास में एक के बाद एक सटीक जानकारी के साथ में आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रही है। मैं केवल भगवान और भक्त के बीच का एक माध्यम हूं जो आप लोगों को ये सारी बातें बता रहा हूं। तो इन बातों को ध्यानपूर्वक सुना कीजिए, डराने का कोई प्रयास नहीं है, कोई भी चीजें आपके सामने झूठ के माध्यम से नहीं आती, सब चीजें प्रूफ के साथ में शोध करके आती हैं। तो चीजें अच्छी लगती हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी जो बातें, हमारी जो सनातन पत्ती है, जो एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मुंडन एस्ट्रोलॉजी की जो बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ और लोगों का भी इनमें यकीन बढ़े और लोग भी जाने कि इस प्रकृति के अंदर किस प्रकार का बदलाव हमारे सामने देख के हो रहा है। जिस टाइम में हमने युग परिवर्तन के बारे में बताना शुरू किया था, लोगों के मुँह में युग परिवर्तन नामक शब्द भी नहीं था, लोगों के मुँह में केवल एक ही बात होती थी कि कलयुग के बाद में सतयुग आ रहा है कल, और आज देखो हर चैनल के ऊपर युग परिवर्तन के बारे में बात की जा रही है, युग परिवर्तन का नाम लेके उन शब्दों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अगला कालखंड जो 2025 से 2029 के बीच में चलेगा उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, क्यों 2029 भी महत्वपूर्ण है, 25 के बारे में जिस प्रकार बताया 29 के बारे में भी संक्षेप में बताने वाला हूं, किस टाइम के अंदर महामारी आ सकती है, किस समय में महामारी फैल सकती है और कितनी भयंकर हो सकती है, ये सारी बातें मैं आपको अगली वीडियो के अंदर आने वाली में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो आने वाले हैं, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, आज का वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।